पिछले वीडियो में हमने पूछा था भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की, जिसका सही जवाब है मुहम्मद बिन तुगलक ने। तो आइए अब चलते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला सवाल, सूर्य ग्रहण कब होता है? उत्तर, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अगला सवाल, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर, बोस इंडिकस। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या अधिक है? उत्तर, केरल राज्य की। अगला सवाल, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? उत्तर, नर्मदा नदी। अगला सवाल, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? उत्तर, ओक्टेन संख्या से। अगला सवाल है, भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, लानो कहाँ के घास स्थल हैं? उत्तर, चिल्ली के। किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? उत्तर, बेंगलुरु के पास। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 36 से 51। अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, खान अब्दुल गफार खान। अगला सवाल, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर, महाराष्ट्र राज्य। अगला सवाल, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर, मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला सवाल, वर्ष 2015 से 16 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? उत्तर, चीन देश। अगला सवाल, आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? उत्तर, एक ब्रह्मांडीय वर्ष। इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। भारत में चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की?